नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं HN न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते सिपाही कमलेश पाल का सोशल मीडिया में वीडियो हुआ वायरल। उन्नाव जिले के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में एक सिपाही का बार बालाओं के साथ डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए उन्नाव पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी ने सिपाही कुलदीप पाल को निलंबित कर दिया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि कोरोना के चलते आयोजक ने प्रशासन की अनुमति ली थी या नहीं। आपको बता दें कि बीते दिनों बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में स्थित बेरिया गाड़ा गांव में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में बार बालाओं का डांस हो रहा था, जिसमें बांगरमऊ कोतवाली में तैनात सिपाही कुलदीप पाल बार बालाओं पर पैसे उछालते हुए व डांस करते हुए दिखे। इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले का संज्ञान लेते हुए SP आनंद कुलकर्णी ने पुलिसकर्मी कुलदीप पाल को निलंबित कर दिया है। वहीं पुलिस जांच कर रही है कि कोरोना के चलते आयोजक ने प्रशासन की अनुमति ली थी या नहीं। यदि परमिशन नहीं होगी तो प्रोग्राम आयोजक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं CO बांगरमऊ अंजनी कुमार राय ने बताया कि सिपाही कुलदीप पाल का बार बालाओं के साथ डांस करते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में SP उन्नाव ने सिपाही को निलंबित कर दिया है। वहीं इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पेश है उन्नाव के संवाददाता साहबान मलिक की खास रिपोर्ट। हाँ, सोशल मीडिया पर एक आरक्षी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह डांस कर रहा है। तो इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक उन्नाव महोदय के संज्ञान में आने पर उस आरक्षी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही जो उस प्रोग्राम के आयोजक थे, उनके विरुद्ध भी जो है कोविड नियमों के उल्लंघन का भी मुकदमा थाना बांगरमऊ में पंजीकृत किया गया है।